अस्सलाम वालेकुम। तरके फाकी आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अनीला जब अपने गुनाहों का इकरार कर रही होती है तो सबतैन ये सब कुछ सुन लेता है, और सबतैन को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता कि जिस साथी पर उसने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया था उन्होंने उसकी ज़िंदगी जो है बर्बाद करके रख दी है। सबतैन को बहुत गुस्सा आता है और अपनी आपी से बदतमीज़ी से बात करता है और तुम कहकर बात करता है, और अनीला तो ये बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकती इसके सत्यन जो है उससे तुम कहकर बात करें। सत्यन गुस्से से घर से निकल जाता है, सरजीला उसको रोकती भी है, और दूसरी तरफ हया और मरीम के सामने तमाम हकीकत जो है वो आ गई है कि इनकी माँ की मौत के पीछे जो है आसिफ और अनीला का हाथ है, ये दोनों आपस में मिले हुए थे, क्योंकि वीडियो है जो है इस चीज़ का सबूत है। वो ये सब कुछ जाकर अपने वालिद को दिखाते हैं, वालिद भी जो है वो ज़ारो क़तार रोते हैं कि इतना कुछ हो गया लेकिन हमें किस भी बात का पता नहीं चला। और दूसरी तरफ जो है नौशीन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है कि उसने सत्यन के साथ जो है बहुत ज़्यादा गलत किया है, और यहाँ पर जो है अब आप देखेंगे सत्यन जो है मरियम से माफ़ी मांगने के लिए मरियम के घर आता है और मरियम उसे वो तमाम वीडियोस दिखाती है, और सत्यन को बिल्कुल बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता। और इसके बाद जो है मरियम यहाँ सत्यन को यही कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सत्यन जो है रोते हुए वहाँ से चला जाता है और जो है कहीं बाहर बैठकर सड़क पर रोता रहता है कि जिस आपी पर उसने इतना ट्रस्ट किया उन्होंने इसकी ज़िंदगी